दोस्तों, सक्सेस में एक ऐसा नशा होता है जिसे पाकर अच्छे अच्छे भी बहक जाते हैं, लेकिन जो सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी अपनी सादगी को नहीं छोड़ता, वही इंसान दुनिया में महान कहलाता है। और ऐसे ही एक ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर एनआर नारायण मूर्ति जी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिन्हें उनकी बेमिसाल अचीवमेंट्स के लिए फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर भी कहा जाता है। दरअसल एनआर नारायण मूर्ति वही इंसान है जिन्होंने भारत को उसकी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस दी है। लेकिन अपने करियर में इतना सफल होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह अपनी सिंप्लिसिटी को बरकरार रखा है, ये चीज आज उन्हें एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ ही एक कमाल का इंसान भी बनाती है। और ये उनकी सिंप्लिसिटी व हम्बल बिहेवियर ही है कि 2020 में जब उनके हाथों से रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलवाया गया, तो एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने नीचे झुककर रतन टाटा के पैर तक छू लिए थे। अब आप खुद ही सोचिए कि जो इंसान अपने सबसे बड़े राइवल के लिए भी अपने मन में इतना सम्मान रखता है, वो खुद कितना ज्यादा डाउन टू अर्थ होगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के इसी ग्रेट बिजनेसमैन के स्ट्रगल से लेकर उनके सफलता हासिल करने तक की इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी के बारे में ही बताने वाले हैं। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नागवार रामाराव नारायण मूर्ति यानी कि एनआर नारायण मूर्ति जी का जन्म 20 अगस्त 1946 के दिन मैसूर के एक टाउन सिद्धलागता में रहने वाली एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। नारायण मूर्ति जी के पिता पेशे से एक टीचर थे, जिसके चलते परिवार में शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल हुआ करता था। उनके परिवार में वे कुल 8 भाई बहन थे, जिसमें नारायण मूर्ति जी 5वें नंबर पर थे। अब अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अपने होम टाउन से ही पूरी की और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए उन्होंने मैसूर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि NIE में एडमिशन ले लिया। और दोस्तों, इस तरह से साल 1967 में NIE कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और फिर इसके बाद से आगे की पढ़ाई के लिए उनका सिलेक्शन IIT कानपुर में हो गया। अब नारायण मूर्ति जी तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता की इनकम इतनी नहीं थी कि वो इस पढ़ाई का खर्चा उठा पाते, क्योंकि उनका परिवार काफी बड़ा था और उन्हें अपने सभी बच्चों का बराबर ख्याल रखना था। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे नारायण मूर्ति जी से साफ कह दिया था कि वो IIT कानपुर में उन्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। इनफैक्ट इस यूनिवर्सिटी में तो नारायण मूर्ति जी का सिलेक्शन 12वीं के बाद भी हो गया था, लेकिन तब भी उनके पिता अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उन्हें वहां पर एडमिशन नहीं दिला पाए थे और मजबूरी में नारायण मूर्ति जी को NIE से ग्रेजुएशन पूरी करनी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, इस बार नारायण मूर्ति जी ने यह तय कर लिया था कि चाहे अपनी पढ़ाई का खर्चा उन्हें खुद ही क्यों न उठाना पड़े, लेकिन इस बार वो पढ़ने के लिए IIT कानपुर जरूर जाएंगे। और फिर जैसे तैसे खुद ही फी के पैसों का इंतजाम करके उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। हालांकि इसके बाद से पढ़ाई को पूरा करने में यूनिवर्सिटी की एक टीचर डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने आर्थिक रूप से उनकी काफी हेल्प की थी। अब दोस्तों, नारायण मूर्ति जी ने IIT कानपुर में एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने वाले थे, जबकि IT के फील्ड से तो उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए दोस्तों, शुरुआत के 1 से 2 महीने तक उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही क्लासेज अटेंड की, लेकिन उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना फील्ड चेंज करके IT में जाने का मन बना लिया। दरअसल हुआ यह था कि उन दिनों IIT कानपुर में अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर सेमिनार होते रहते थे, जिसमें कि देश विदेश के लोग उस यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देने के लिए आते थे। और कुछ ऐसा ही एक सेमिनार उन्होंने अटेंड किया जो कि पूरी तरह से IT पर बेस्ड था। नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि 15 मिनट का वो सेमिनार उनके लिए सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट था, क्योंकि उस सेमिनार को अटेंड करने पर ही उन्हें पता चला कि आने वाले समय में इंसान कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और IT जैसी चीजों पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट होने वाला है। और फिर यहीं से उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करके IT के फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। और दोस्तों, इस तरह से साल 1969 में उन्होंने IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की और फिर उसके बाद IIM अहमदाबाद में एज अ चीफ सिस्टम प्रोग्रामर जॉब करने लगे। और दोस्तों, इसी जॉब के दौरान उन्होंने भारत के सबसे पहले टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम पर काम किया था। नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि IIM में काम करना उनकी लाइफ के सबसे अच्छे डिसीजंस में से एक था, क्योंकि यहाँ काम करते हुए उन्होंने कई सारी ऐसी चीजों को सीखा जो कि आगे चलकर उनके व्यवसायिक करियर में बहुत काम आई। IIM के लिए उन्होंने 1971 तक काम किया और फिर उसके बाद से वो जॉब करने के लिए विदेश चले गए। और दोस्तों, इस दौरान उन्होंने अपना कुछ समय पेरिस में भी काम करते हुए बिताया,
लेकिन 1973 में उन्होंने अपनी यह जॉब छोड़ दी और फिर अगले 11 महीने दुनिया के 25 अलग अलग देशों को घूमने में बिताए। और दोस्तों, इस सफर के दौरान उन्होंने दुनिया के बहुत से अलग अलग कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया और इसी जर्नी के दौरान ही उन्होंने यह डिसाइड किया कि वह एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। और इस तरह से इस सफर से लौटने के तुरंत बाद ही उन्होंने सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम की एक छोटी सी कंसल्टिंग कंपनी शुरू कर दी, लेकिन 1.5 साल तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनकी यह कंपनी फेल हो गई थी और नारायण मूर्ति जी के एंटरप्रेन्योर बनने का सपना भी अब चकनाचूर हो गया। अब यूं तो वे इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे, लेकिन उस समय तक उनकी लाइफ में उनकी पत्नी सुधा मूर्ति जी भी आ चुकी थी और उनके ऊपर यह प्रेशर था कि वो लाइफ में जितना जल्दी हो सके सेटल हो जाएं, क्योंकि उनके सेटल हुए बिना सुधा मूर्ति जी के पिता उन दोनों की शादी करवाने के लिए राजी नहीं थे। और दोस्तों, इसीलिए नारायण मूर्ति जी ने पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स नाम की एक कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी और साल 1978 में सुधा जी से शादी करके वे करियर और लाइफ दोनों में ही सेटल हो गए। अब दोस्तों, यहाँ तक देखें तो उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी नारायण मूर्ति जी अपनी उस लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि अंदर से वे अभी भी एक एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहते थे। और इसी वजह से साल 1981 में उन्होंने अपनी पत्नी सुधा से 10,000 रुपए उधार लिए और अपने 6 जूनियर्स को साथ में लेकर एक नई कंपनी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने इन्फोसिस रखा। सुधा मूर्ति जी बताती हैं कि इन्फोसिस के कामयाब होने से पहले तक उन्होंने नारायण मूर्ति जी के ऊपर बहुत पैसे खर्च किए थे। असल में नारायण मूर्ति जी सुधा से पहली बार अपने स्ट्रगल के दिनों में मिले थे और उस समय उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि इन दोनों के मिलने और डेट पर जाने का खर्चा भी खुद सुधा जी को ही उठाना पड़ता था। असल में सुधा जी एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, साथ ही बहुत कम उम्र में ही जॉब करके वह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गई थी। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि टाटा मोटर, जो कि पहले टेल्को के नाम से जानी जाती थी, उस कंपनी में एक इंजीनियर के तौर पर काम करने वाली सबसे पहली फीमेल एम्प्लॉय सुधा जी ही थी। वेल, सुधा जी की तरह ही अगर आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी लाइफ में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। अब यूं तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, FDs और क्रिप्टो करेंसीज जैसे ऑप्शंस को चुन सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ mudrex.com को। mudrex में बेसिकली आप क्रिप्टो के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो फिर यह आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इनके कॉइनसेट्स एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाए हैं और मैनेज भी एक्सपर्ट्स ही करते हैं, मतलब कि आप अपना पैसा लगाएं और प्रॉफिट एंजॉय करें, बाकी सब एक्सपर्ट्स करेंगे। 2 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स के द्वारा ट्रस्ट किए जाने वाले इस प्लेटफॉर्म पर आपको 24/7 सपोर्ट मिल जाता है और रिस्क अवॉइड करने के लिए KYC प्रोसीजर को पूरा करने के बाद से आप क्रिप्टो लेना शुरू कर सकते हैं। और हाँ, इनका जो वैलेट है दैट इज पावर्ड बाय बाइनेंस, तो नीचे दिए हुए लिंक से अभी साइन अप करें और $15 अपने mudrex वैलेट में पाएं, जो कि सिर्फ पहले 1000 साइन अप्स के लिए ही अवेलेबल है। सो स्टार्ट नाउ योर स्मार्ट एंड सिस्टमैटिक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। खैर, अपनी पत्नी से 10,000 रुपए उधार लेकर नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस कंपनी को शुरू किया था और उनके घर का फ्रंट रूम इस कंपनी का पहला ऑफिस बनाया गया। और उस समय इस कंपनी के हालात ऐसे थे कि उन्हें एक टेलीफोन कनेक्शन लेने में 1 साल और एक कंप्यूटर लगाने में 3 साल का समय लग गया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी नारायण मूर्ति जी और उनके सभी पार्टनर्स इस कंपनी को चलाने की लगातार कोशिशें करते रहे। और फिर आखिरकार कुछ समय के बाद उन्हें US की एक कंपनी से फंडिंग मिल गई और इस तरह उस कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में इन्फोसिस का काम शुरू हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से साल 1989 में किसी वजह से यह ज्वाइंट वेंचर टूट गया और इन्फोसिस एक बार फिर से वहीं आकर खड़ी हो गई जहां से उसने शुरुआत की थी। ये वो समय था जब सभी लोग नारायण मूर्ति जी को कंपनी बंद करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया और कंपनी को चलाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। और फिर आखिरकार कुछ सालों के बाद से यह बुरा वक्त टलना और उनकी इस दिन रात की मेहनत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि कंपनी को अब नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे थे। और साथ ही साल 1991 में लिबरलाइजेशन आने के बाद भारत के साथ ही इन्फोसिस कंपनी ने भी काफी तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया था। इसके बाद से इस कंपनी ने बहुत ही जल्दी भारत के बाहर दूसरे देशों में भी अपने पैर पसारने की शुरुआत कर दी और साल 1999 में यह अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज NASDAQ पर लिस्ट होने वाली इतिहास की सबसे पहली इंडियन कंपनी बन गई।
इसके बाद से इंफोसिस ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते इसे भारत की सबसे बड़ी व सबसे सफल कंपनियों में शुमार किया जाने लगा। अब आज की अगर बात करें तो इस समय इंफोसिस का बिजनेस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही फैल चुका है और इसे अब वर्ल्ड की टॉप आईटी कंपनीज में शुमार किया जाता है। और दोस्तों, इस तरह से अपनी कहानी से नारायण मूर्ति जी ने हमें सिखाया कि लाइफ में सक्सेस वही हासिल करता है जो सिचुएशन के सामने झुकने की बजाय पूरी बहादुरी से उसका सामना करता है। और दोस्तों, नारायण मूर्ति जी के बारे में एक चीज जिसे आज भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो है उनका हम्बल बिहेवियर। दरअसल नारायण जी आज इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं कि उन्होंने अपनी सक्सेस को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया और हमेशा सादगी के साथ में अपना जीवन जिया। और सिर्फ नारायण जी ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुधा मूर्ति जी भी अपनी सादगी के लिए काफी फेमस हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अभी कुछ समय पहले अपने एक इंटरव्यू के दौरान सुधा मूर्ति जी ने बताया था कि उन्होंने पिछले 21 सालों से अपने लिए कोई नई साड़ी तक नहीं खरीदी है। और दोस्तों, यही वजह है कि आज इन दोनों लोगों को ही हमारे देश की मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज में शुमार किया जाता है। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।